हाल ही में हुए ट्रेन हादसों के आंकड़े हमारे सामने हैं। 3 महीनों में कई ट्रेन हादसे हुए हैं। 9 ट्रेन हादसों की हम यहां पर बात करने वाले हैं। झारखंड, हावड़ा मुंबई मेल की पटरी से उतरने के बाद कम से कम 2 लोगों की मृत्यु हो गई। ये दुर्घटना पिछले 3 महीनों में भारतीय रेल में हुए कई हादसों की कड़ी में सबसे हालिय है। आइए पिछले 3 महीनों में हुई कुछ प्रमुख ट्रेन दुर्घटनाओं पर नजर डालते हैं। जुलाई 2023, तारीख 29 जुलाई, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की 2 बोगियां समस्तीपुर जिले में अन्य डिब्बों से अलग हो गई। कोई हताहत नहीं हुआ क्योंकि ट्रेन धीमी गति से चल रही थी। 29 जुलाई को ही उड़ीसा के संबलपुर में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, कोई हताहत नहीं हुआ। 27 जुलाई को मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर पश्चिम रेलवे के बोईसर स्टेशन के यार्ड में एक मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके बाद 26 जुलाई को 2 ट्रेन हादसे। छत्तीसगढ़ के कांकोर जिले में एक खाली यात्री ट्रेन का इंजन एक गिरे हुए पेड़ से टकराकर पटरी से उतर गया, चालक भी घायल हुआ। दूसरा एक्सीडेंट, भुवनेश्वर स्टेशन के पास एक मालगाड़ी पटरी से डीरेल हुई। यहाँ पे इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जून 2023, 17 जून को एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी, जिसमें 15 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 लोग घायल हो गए। इससे पहले 7 जून को जयपुर में दौलतपुर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई, कोई घायल नहीं हुआ। उससे 4 दिन पहले 3 जून को पंजाब के सिरहिंद रेलवे स्टेशन पर एक स्थिर मालगाड़ी ने दूसरी मालगाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोको पायलट घायल हुए। मई का महीना, 28 मई, हावड़ा के लिलुआ स्टेशन पर एक खाली लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई, जिससे ट्रेन की आवाजाही बाधित हुई। इन हादसों ने रेलवे सुरक्षा और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन घटनाओं के बाद विशेष रूप से लोको पायलट्स और यात्रियों की सुरक्षा पर चर्चा की। केवल रील बनाने वाले लोग नहीं हम, अब मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना। बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। आने अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर मिला है, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, रेलवे एक्ट के तहत, माननीय मंत्री जी प्लीज, जो माननीय मंत्री जी 2005, माननीय मंत्री जी बेटे किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्स मत करो। उन्होंने जोर दिया कि सरकार इन हादसों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन विपक्षी सांसदों ने उनकी बात का विरोध किया और सदन में जोरदार हंगामा हुआ। अब वंदे भारत अच्छा किया, हम भी ट्रैवल किया है, और एक बार आपको एयरपोर्ट में हमका जब मुलाकात हुआ था, आप याद कीजिए, हम आपको बोला था एक बार जो आप वंदे भारत हावड़ा पूरी कर दीजिएगा, तो आप किया है। लेकिन सर, आई टेल यू नाउ, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन पैसेंजर ट्रेन्स। आपको टाइम में पैसेंजर ट्रेन नहीं बढ़ा है, गरीब आदमी कैसे जाएंगे। जो पैसेंजर ट्रेन जो था, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकल ट्रेन्स एंड द पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन्स अभी बड़ा नहीं है। कलकत्ता में रेगुलर बहुत पैसेंजर आते हैं, लेकिन ट्रेन का स्ट्रेंथ एक ही है। पैसेंजर ट्रेन बढ़ा दीजिए, और जो जनरल कंपार्टमेंट है, जब लॉन्ग जर्नी करते हैं, उसका जनरल कंपार्टमेंट का हालत अच्छा नहीं है। आप लोग वीडियो भी देखा है, जनरल कंपार्टमेंट में लेबोरेटरी में वो सब वॉशरूम में सब पैसेंजर जा रहा है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। आप ध्यान दीजिए। एक्सीडेंट बढ़ गया है, आज भी नॉर्थ बंगाल में एक्सीडेंट हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली 5 MP है नॉर्थ बंगाल से, कभी ने किसी ने नहीं बोला जे नॉर्थ बंगाल का रेल सेफ्टी के लिए, ट्रेनें सेफ्टी के लिए कुछ करना होगा। इसमें क्या है, पश्चिम बंगाल का उन्नयन होगा। बिजली का MP कोई नहीं बोला, हम बोल रहे हैं। आज नॉर्थ बंगाल में आज एक्सीडेंट हुआ,
दो एक डेढ़ महीना पहले भी बड़ा एक्सीडेंट हुआ, क्यों बार बार नॉर्थ बंगाल में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है? तो एक्सीडेंट को आपको इसको कमती करना होगा। इन हादसों से जुड़े मामलों की विस्तृत जांच भी की जा रही है और रेलवे प्रबंधन को सुधारने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच प्रभावित यात्रियों और उनके परिवारों के लिए मदद और राहत के प्रबंधन किए जा रहे हैं। पिछले 3 महीनों में हुए कई ट्रेन हादसों ने भारतीय रेल की सुरक्षा और उसकी संरचना पर भी सवाल उठाए हैं। सरकार द्वारा इन घटनाओं पर ध्यान देते हुए सुधार की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर जवाबदेही सरकार की है। खैर, आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।